नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। एक बहुत बड़ी खुशी आप सभी के लिए लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की विज्ञप्ति इसके वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई है। जो मित्रगण इस जो है भर्ती के परिपेक्ष में योग्य हैं, वो सारे मित्रगण फॉर्म को अप्लाई करें और अपने सुनहरे भविष्य को बहुत अच्छी तरीके से टीम परीक्षा प्लस के साथ जुड़कर निर्माण करें। यहां पर अगर बात किया जाए कि जो यहां आपकी विज्ञप्ति जारी हुई है, विज्ञप्ति में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी चीजें, यहां पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहती है कि हम इसके लिए योग्य हैं कि नहीं है, क्या योग्यता मांगी जाती है, इसका पैटर्न क्या होता है, तो सारी चीजें इस विज्ञप्ति में दी हुई हैं। आज ही यह विज्ञप्ति जारी है, सुबह ही मैंने आपको बता दिया था, कल रात में ही इसकी सारी चीजें मिल चुकी थी कि हाँ विज्ञप्ति आपकी आज आ जानी है। इसमें आपका जो ऑनलाइन शुरू है यह आज से ही शुरू हो चुका है, यानी 5 तारीख से, और साथ ही साथ जो आपकी लास्ट है पेमेंट जो जमा होगी फॉर्म की, वो 1 आपकी 4 तक है, यानी 1 अप्रैल तक आपको पेमेंट जमा कर देना है। साथ ही साथ जो लास्ट सबमिशन होता है फाइनल, ये 5-4 तक है, यानी 1 महीने तक आपको मौका दिया गया है। अगर इसमें से देखें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, कौन कौन सी हमारे पास होनी चाहिए योग्यता इस फॉर्म को जो है फिलअप करने के लिए, तो देखिए इसमें 2 तरीके के पद हैं। एक तो आपका समीक्षा अधिकारी है आरओ का, यानी रिव्यू ऑफिसर, और एक आपका एआरओ का पद है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। आरओ वाले पदों में कोई भी किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैं बीए से हूं, मैंने ये बीकॉम कर रखा है, तो ये सारे लोग इसके लिए क्या होते हैं, योग्य होते हैं, किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट बंदा इसमें डाल सकता है। दूसरी बात है एआरओ जो पद होता है, एआरओ पद में आपका ओ लेवल चाहिए, इसमें ओ लेवल की बात करता है, साथ ही कुछ समकक्ष डिग्रियां भी माननी है। इसमें भी कुछ आपके पद ऐसे हैं, ये जो आपके टोटल पद आए हैं इसमें से कुछ पद आपके ऐसे हैं जो स्पेशल, वही लोग जैसे बीकॉम वालों के लिए कुछ इसमें से सीटें होती है, केवल वो सीटों पर बीकॉम वाले आपके एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी जितनी सीटें हैं उस पर तो सारे लोग डालेंगे किसी भी स्ट्रीम वाले, लेकिन कुछ ऐसी सीटें होती हैं जिसमें केवल बीकॉम वाले, अगर सिलेक्शन होता है तो बीकॉम वालों का उस पर होगा, ठीक है, भले ही वो अगर अभ्यर्थी नहीं मिल रहे तो सीटें खाली हो जाए, लेकिन उस पर जाएंगे तो वहीं जाएंगे। आइए इसके संबंध में हम लोग परिचर्चा करते हैं। तो फॉर्म की डेट याद रखना, और इसमें साथ ही साथ हमें यह देखना है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो ध्यान दीजिए सारे लोग, अगर एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो ग्रेजुएशन होता है। दूसरी चीज, इसमें परीक्षा शुल्क आप सारे लोग जानते हैं 125 हमेशा की तरह है, 125 रुपए जनरल और जो है ईडब्ल्यूएस वालों का, बाकी सभी का एससी एसटी का 65 रुपए है, और दिव्यांग जो है इन लोगों के लिए 25 रुपए, सैनिकों के लिए 65, और ऐसे ही आपके अन्य चलते हैं। इसमें से देखा जाए कि क्या भैया, दूसरी बात यह है कि किसी भी अगर स्टेट वाले, अदर स्टेट वाले देख रहे हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। बस आप अपने स्टेट में, मान लीजिए जनरल नहीं किसी अदर में आते हैं, यहां आप अप्लाई करेंगे तो आप जनरल में ही फाइट करेंगे। सीटों की कुल संख्या आपके 228 है, टोटल नंबर आप पोस्ट कितनी आई है, इस बार 228 आई है, ठीक है, इतने दिनों के बाद वैकेंसी आई है, फिर भी 228 है, और इसमें विशेष चयन है तो 109 रिक्तियां हैं, 228 में से 109 आपकी विशेष चयन है, इन पर उन्हीं लोगों का होगा जो लोग उस आहरिता को रखते होंगे अपने पास, इस चीज को ध्यान रखना है। और इसमें विशेष चयन में कौन कौन से लोग, तो लेखा अधिकारी, एक समीक्षा अधिकारी में लेखा संवर्ग होता है, ठीक है, बीकॉम वालों के लिए ये स्पेशल सीट हो गई। उत्तर प्रदेश सचिवालय की 4 रिक्तियां हैं, ठीक है, इसमें एससी की 2, ओबीसी की 2, और सहायक समीक्षा अधिकारी उसके लिए आपकी सचिवालय की 105 रिक्तियां हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा। 105 आपकी किसकी है, एआरओ की सीटें हैं, ठीक है, बाकी 4 सीटें उसमें रिजर्व वाली जाती हैं, और स्पेशल में आपकी लेखा वाली है, जो लोग बीकॉम किए हैं उसके लिए बहुत बड़ा फायदा है, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। टीम के द्वारा बैच भी चलाया जा रहा है इसको लेकर के, ये आपके विभिन्न विभाग हैं जिनमें से ये सारे पद आपके निकलते हैं, ठीक है, इनमें आप समीक्षा अधिकारी के तौर पर यहां कार्य करते हैं, रिव्यू ऑफिसर के तौर पर और सहायक समीक्षा अधिकारी के तौर पर। कितने तरीके के पद हैं तो यहां देख सकते हैं, 5 तरीके के आपके विभिन्न कहां कहां नियुक्ति होती है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में पद होता है, साथ ही साथ राजस्व जो आपकी परिषद होती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, और आपका साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सचिवालयों में, ये 5 आपके ऐसे विभाग बनते हैं जहां पर आपकी नियुक्ति होती है। इन सब जगहों पर समीक्षा अधिकारी की जरूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में जैसे समीक्षा अधिकारी लेखा की अलग से है और समीक्षा अधिकारी की अलग से है, तो दोनों टाइप की है, लेखा वाले पर केवल बीकॉम वाले, बहुत सुनहरा मौका है बीकॉम वालों के लिए, 109 सीटें हैं,
कुछ और भी आपके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सचिवालय में अब जिनके पास हिंदी वाली है समीक्षा अधिकारी हिंदी, तो इस पर हिंदी वाले ही अंतिम रूप से सेलेक्ट होंगे। उर्दू के लिए कुछ आपके स्पेशल इसमें पोस्ट होती है। आप अब ये लोग जो विशेष डिग्री वाले हैं ये अन्य सीट के लिए भी फाइट करेंगे और इनके पास जो ये विशेष डिग्री इसके लिए भी करेंगे, तो इनके पास ये प्लस पॉइंट बनता है। ऐसे आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय में एआरओ में लेखा की है बीकॉम वालों के लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी की है लेखा वाली बीकॉम वाले एआरओ के लिए, ऐसे सचिवालय में है। ये तमाम तरीके के आपके पद इसमें घोषित किए गए हैं। अगर इसमें से देखा जाए कि क्या क्या चीजें हैं तो आप सारे लोग जानते हो, वेतनमान तो अच्छा है ही है, ठीक है। अगर यहां मिल गया सचिवालय तो जीवन आपका यही कट जाएगा लखनऊ में ही, सारी चीजें सही है। अगर इसमें से देखें योग्यता के आरक्षण कैसे चलता है, तो आरक्षण उसी अनुसार चलता है जिस अनुसार जो है इससे पहले लोक सेवा आयोग में रहा है। साथ ही साथ अगर इसमें से देखा जाए कि क्या क्या चीजें आपकी योग्यता है, तो योग्यता में ध्यान रखिएगा आयु छूट वैसे ही मिलती है, ठीक है, जैसा इससे पहले 5 साल वाला चलता है सभी में, वो चीजें वही की वही होती हैं। भूतपूर्व सैनिकों को भी छूट इसमें दी जाती है और अन्य लोगों को भी छूट इसमें दी जाती है। अगर इसमें से देखा जाए कि कौन कौन सी चीजें आपकी स्पेशल डिग्री वाले कौन जो इसमें विशेष सीटें हैं, विशेष सीटों के लिए कौन कौन से लोग योग्य होंगे, ये एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो विशेष सीटें वाले अभ्यर्थी आपके उस सीट के लिए एलिजिबल नहीं है, साथ ही साथ जो अदर आपकी बाकी सीट है उस पर भी आप लोग फाइट करेंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बन जाता नहीं अब मैं यही करूंगा, मेरे लिए यही सीट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सभी लोग इस पर जो है फॉर्म को अप्लाई करिए, जिनका ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से है कुछ नहीं सोच रहा है। एआरओ के लिए आपकी अलग क्वालिफिकेशन होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। समीक्षा अधिकारी की अगर बात किया जाए तो इसमें अगर देखा जाए जैसे समीक्षा अधिकारी सचिवालय लेखा के लिए जो पोस्ट है, इसमें ध्यान रखिएगा लेखा वाली पोस्ट के लिए वही लोग जो किसी भी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि है बीकॉम वाले जो हैं उनको इस पद के लिए एलिजिबल किया जाएगा। ये सीटें 109 में ही है, बाकी 228 में सारे लोग फाइट करेंगे और ये लोग 228 में भी फाइट करेंगे बाकी बची हुई सीटों में। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ लेवल स्तरीय प्रमाण पत्र, तो लेखा वालों के लिए भैया ओ लेवल चाहिए, जो लोग लेखा एआरओ अप्लाई करेंगे उनके लिए ओ लेवल चाहिए, यहां लिख दिया है क्लियर भाषा में। साथ ही साथ देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान वो तो सभी को होता है। अगली चीज देखा जाए जो दूसरा पद आपका है हिंदी वालों के लिए विशेष तौर पर समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश जो है सचिवालय में, इसमें ध्यान रखिएगा जो हिंदी वालों के लिए विशेष सीट है इसमें आपसे मांगा है कि विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में एक विषय के साथ स्नातक, ठीक है, उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अनिवार्यता होनी चाहिए। वो लोग जो पद इसमें स्पेशल हैं 109 में जैसे हिंदी वाला है, इसके लिए आपके हिंदी वाले ही चयनित होंगे। ये आपके अन्य पदों के लिए तो फाइट करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन सीटों पर सिर्फ हिंदी या संस्कृत वालों का ही चयन होना है। अगला जो आपका आता है समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय में उर्दू वालों के लिए, ठीक है, इसमें क्या करना है किसी विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य, पारसियन साहित्य या फिर आपका उर्दू साहित्य में से कोई एक विषय जिसने ले रखा है, स्नातक की उपाधि जिसने धारित कर रखी है, वो लोग केवल इस पद के लिए हैं, ठीक है, बाकी तो सीटें सभी के लिए हैं। आगे अगर इसमें से बात किया जाए सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो लेखा संवर्ग के लिए है, एआरओ जो लेखा संवर्ग है, इसमें ध्यान दीजिए इसके लिए क्या मांगा है, आपको भैया वाणिज्य चाहिए ही चाहिए और सरकार के द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ लेवल स्तरीय, तो एआरओ की वैकेंसी के लिए ओ लेवल चाहिए, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अगर आप लेखा से डाल ले तो आपके पास बीकॉम भी चाहिए, बाकी ऐसा नहीं है कि एआरओ की सिर्फ लेखा में ही है, एआरओ की जो आपकी सभी के लिए है उसमें आप ओ लेवल रखते हो किसी भी विषय से ग्रेजुएट हो, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये स्पेशल वाली में है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बन जाता नहीं हम लोग तो इसमें लेखा वो वाणिज्य लिए ही नहीं तो अप्लाई ही नहीं कर सकते एआरओ, एआरओ की बहुत सारी विशेष सीटों पर भैया केवल विषय वालों का चयन होता है, बाकी सीटों पर सभी का चयन होता है, इसको दिमाग में बना लीजिए। उसके बाद इसमें और अन्य तरीके की है राजस्व परिषद वाली जो सहायक समीक्षा अधिकारी है, इसमें भी आपकी कुछ चीजें मांगी जाती हैं, वही स्नातक होना चाहिए किसी भी आपके स्ट्रीम से, साथ ही साथ कोई अहर्ता आपको किससे डोएक जो आपका है इसके द्वारा ओ लेवल जो प्रमाण पत्र है या इसके समकक्ष कोई होनी चाहिए और इनको क्या होना चाहिए, हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट आपको टाइपिंग भी देनी पड़ती है, यह ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमानी अर्हता दी जाएगी, वो सारी चीजें उसकी चलती ही रहती है, ठीक है। टंकण 25 मांगता है एआरओ में, ध्यान रखिएगा। और आपको साथ ही साथ क्या होना चाहिए, कंप्यूटर विज्ञान में या तो आप डिप्लोमा है,
ऐसे लोग या डोएक के साथ, ठीक है, या डोएक सोसाइटी द्वारा ओ लेवल दिया गया है, वो लोग जो लोग ऐसा प्रमाण पत्र ये एआरओ वाले में है, ध्यान रखिएगा आरओ के लिए कंप्यूटर की अनिवार्यता कुछ नहीं है। अगली चीज इसमें एज क्या होती है भैया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 21 वर्ष से लेकर के आपको क्या होनी चाहिए, 40 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। 21 से 40 आयु गणना कब होती है, 1 जुलाई 2021 से आयु गणना पूरी जो है शुरू होगी। 1 जुलाई को अगर आप 21 वर्ष के हो चुके हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अधिकतम छूट है वो छूट आपकी उसी अनुसार चल रही है, जो आपकी एससी एसटी जनजातियां हैं, ओबीसी हैं, वर्गीकृत खेलों के खिलाड़ी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक हैं या शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, अनुदानित जो है जो आपके माध्यमिक विद्यालय है इसमें शिक्षक हैं कर्मचारी हैं, इन सभी को 5 साल की छूट दी जाती है, ठीक है, इन सभी को 5 साल की छूट दी ही जाती है। भूतपूर्व सैनिकों को भी 5 साल की छूट आपकी उपलब्ध होती है, इन सारे लोगों को इसमें 5 साल की सारी छूट दी जाती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी अन्य क्या है, तो ध्यान दीजिए ये तो प्रमाण पत्र की सारी बातें हो गई, क्या चीजें कैसे करना है, उन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें देखा जाए कि इसका जो है क्या चीजें कैसे होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिए जो चीजें इसमें आती हैं कि प्रश्न आपका माइनस मार्किंग होता ही होता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक जो है 35% निर्धारित है, यानी इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते तो वो श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। अन्य श्रेणियों के लिए न्यूनतम मानक दक्षता जो है वो 40% है, ठीक है, मतलब 40% आप लाएंगे वो तो एक कंपलसरी है, इससे ऊपर होगा तभी मेरिट में आपको गिना जाएगा, इससे नीचे तो नहीं गिना जाएगा, ठीक है, और इतना लाए हो तो अभी कोई श्योर नहीं है कि आपका हो ही जाएगा, कट ऑफ तो आप लोग भलीभांति परिचित हैं। इसके बाद अगर इसके सिलेबस में बात करें क्या चीजें कैसे रहेंगी, कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, तो वो सब कुछ लिखा है, जिनको आरक्षण चाहिए उनको क्या करना है। देखिए सिलेबस अगर देखा जाए इसका पाठ्यक्रम क्या है भैया, तो इसमें 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, इसके लिए हम लोगों ने बैच भी चलाया हुआ है जिसमें पूरा मटेरियल दे रहे, वीडियो क्लासेस दे रहे, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, ठीक है, 20 टेस्ट मिल रहे हैं, सभी की आपको नोट्स दी जा रही है, जितना इसमें सिलेबस है और पूरा का पूरा आपका क्या हो रहा है, सभी जितने भी जीएस के अंतर्गत हैं, ठीक है, सभी की आपको क्या मिल रही है, वीडियो क्लासेस भी मिल रही है। देखिए इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर आपका जीएस का होता है, दूसरा हिंदी का होता है। जीएस का जो पेपर होता है इसमें 140 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 140 प्रश्न 140 नंबर के आते हैं, 1-2 घंटे का होता है। क्या क्या पूछता है, सामान्य विज्ञान पूछता है, इतिहास पूछता है, राष्ट्रीय आंदोलन पूछता है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करेंट, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग के सवाल होते हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, ये आपका लगभग सबसे बड़ा रोल होता है। आशीष सर के द्वारा जो वीडियो बनाई गई है उसमें सब कुछ उन्होंने बताया है कि जब जब समीक्षा अधिकारी हुआ है तो इन सारे सेक्शन से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किसमें कौन सा प्रश्न बढ़ा है, किसमें प्री की कट ऑफ कितनी रही, मेंस की कट ऑफ कितनी रही, सब कुछ उन्होंने डिस्कस कर रखा है, वीडियो लगी हुई है चैनल पर, उसको देखकर आप समझ सकते हैं। दूसरा पेपर होता है भैया हिंदी का, हिंदी के पेपर में, जीएस के पेपर में आपका 140 प्रश्न होता है, हिंदी में केवल आपके 60 सवाल आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, हिंदी से 60 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें हिंदी तैयार करना क्यों आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें हिंदी केवल 6 टॉपिक से पूछा जाता है, वो भी शब्द भंडार से। 6 टॉपिक से क्या क्या होता है, जैसे 1 घंटा आपको मिलता है, इसमें 10-10 शब्द आपके हर एक टॉपिक से होते हैं, जैसे विलोम से 10 सवाल पूछेगा, वाक एवं वर्तनी शुद्धि या शुद्धि से, ठीक है, 10 सवाल होता है, 5 लगभग वर्तनी शुद्धि रहती है, 5 वाक्य वाला होता है, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 आपको करने होते हैं, तद्वयम तत्सम हमें 10 शब्द मिलेगा, विशेषण और विशेषी सबसे बड़ा यही पोजिशन आपका क्या करता है, सबसे ज्यादा यही धोखा देता है। इसके लिए नोट्स वगैरह अच्छी मिल जाएगी, वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से, हिंदी एक ऐसा संभाग है ना कि सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका इसी की बनती है, इसके लिए अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध हो जाएगा, मटेरियल और सारी चीजें तैयार हैं। परीक्षा जो पर्यायवाची शब्द हैं ये 10 हैं, तो 6 यहां से होते हैं, 6 टॉपिक से 60 हमें लाना होता है, तो हिंदी पर अगर मेहनत किया जाए तो यहां सिलेक्शन के बहुत जो है आसानी से चांस बनते हैं। यो कुल आपके 200 अंक होते हैं, 200 में आपकी सारी चीजें जाती है, बाकी मेंस वाली परीक्षा होती है, मेंस में भी जीएस होता है, प्री वाला भी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है,
120 सवाल इसमें रहते हैं, प्रारंभिक वाले में 140 रहते हैं, ठीक है, ढाई घंटे का पेपर। फिर सामान्य हिंदी आलेखन का रहता है, इसमें सब्जेक्टिव होते हैं ढाई घंटे वाला, और इसमें निबंध वो गद्यांश का शीर्षक सारांश रेखांकित अंशों की व्याख्या ये सब करना होता है, और एक सरकारी पत्र की सारणी रूप लिखनी होती है, ये चीजें आती हैं। उसके बाद पत्राचार हमें लिखना होता है, ये सारी चीजें, ये हमेशा का है इसका, ठीक है। ये आपका जो है उसका हो गया मुख्य परीक्षा का। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के लिए भी सारी चीजें आपके समक्ष होंगी, इसमें परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान देना है, और प्रारंभिक परीक्षा के लिए टीम के द्वारा जो बैच चलाया जा रहा है उस बैच पर आप सभी मित्रगणों को बहुत अच्छी तरीके से लगना है, ठीक है। वो सारी चीजें दी गई हैं कि क्या कैसे है, सारी चीजें आपके समक्ष है, तो ध्यान रखिएगा। दो पेपर है, और इसमें टीम के द्वारा जो आपका बैच चलाया जा रहा है अभी आपका, ठीक है, जो आपका इसको टारगेट करके एक बैच चल रहा है, आप लोग परीक्षा प्लस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर टारगेट आर ओ ए आर ओ जब रजिस्टर करेंगे तो टारगेट ए आर ओ आर ओ ए आर ओ बैच आपको मिलेगा। ये बैच आपका 3000 का है, लेकिन इस समय पांच दिन तक, केवल पांच दिन तक आपका 50% ऑफ चल रहा है, तो 1499 रुपए में आपको यह बैच प्राप्त हो जाएगा। 1499 में आपको या 1499 रुपए में पांच दिन तक यह बैच आपको प्राप्त हो रहेगा, ठीक है। तो सारे लोग इससे जुड़िए, संपूर्ण मटेरियल आपके पास है, टेस्ट सीरीज है, 20 टेस्ट की सीरीज है, उसमें विषयवार टेस्ट हैं, फुल लेंथ के टेस्ट हैं, हिंदी का मटेरियल है, एक सारगर्भित सारी चीजें हैं कि जिसको पढ़ने के बाद आप अपने अंदर यह आत्म जो है विश्वास पैदा करेंगे कि हाँ अब हम परीक्षा के लिए एकदम रेडी होते हैं। ये दोस्तों एक ऐसी चीज है ना, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का सभी को वेट होता है। क्यों वेट होता है? क्योंकि इसमें जो 60 प्रश्न आपके हिंदी के होते हैं और जो 140 जीएस होते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। आप आशीष सर की जो वीडियो है उसको जब देखेंगे तो आपको बहुत भलीभांत समझ में आ जाएगा कि क्यों आखिर ये इतनी आसान है। फाइट अच्छी होती है इसमें, क्योंकि सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सफल वही बनते हैं जिनके पास कुछ विशेष चीजें बनती हैं, ठीक है। तो सारे लोग जो है परीक्षा प्लस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हुए, नीचे आपको नंबर दिख रहे होंगे, उन नंबरों पर आपको कोई दिक्कत है या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहे, आपको सारी सूचनाएं, ठीक है, कमेंट के माध्यम से रिप्लाई देंगे, या नीचे चल रहे नंबर पर किसी पर कॉल कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट अगर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो सीधा सीधा पेड बैच से जुड़ सकते हैं। आगे जो कुछ होगा बैच के प्रारंभ के संबंध में क्या कैसे होना है वो सारी सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहेंगी। सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।